जी हाँ, अभी ये कंप्लेंट आई है अभी अभी आपके सामने, और जिसमें कि कहा गया है कि जो स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की, इसमें महिलाओं को ये 1500 रुपीज़ की राशि देने का प्रावधान है, उसके फॉर्म्स वगैरह भरे जा रहे हैं। तो अभी कंप्लेंट आई है, तो इसको एग्जामिन करके इसके ऊपर जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, बीजेपी ने एक और बात की जो सर यस, होर्डिंग्स के लिए भी कहा गया है, और हमारे जो पिछले 2 दिन में जो एक्सरसाइज हुई है, जो नॉर्म्स के हिसाब से 24 आवर्स और 48 आवर्स के हिसाब से, उसके हिसाब से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंगली 38,000 होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लैग्स जो है पूरे स्टेट में हटाए गए हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो 72 आवर्स का है, 24 आवर्स में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस, 72 आवर्स में प्राइवेट बिल्डिंग्स जो कि अनअप्रूव्ड हैं, तो ये प्रोसेस पूरा चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई रह गई है तो उसको हम एग्जामिन करें, उसको हम रिपोर्ट लेंगे। और लोग भी अगर कोई रह गई है, कोई होर्डिंग या कोई पोस्टर, तो सी विजिल ऐप के ऊपर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो वो मौके पे ही तुरंत कार्रवाई हो सर, एक और बात, कमिश्नर को प्रेस आदेश आदेश हुए हैं कि जो प्राइवेट अपनी बिल्डिंग में किसी ने राम मंदिर की जो बात कही अपोजिशन वालों ने, क्या ऐसे कोई आदेश हो कि उसको हटाने के लिए इस तरह की? नहीं, ऐसे हमारी तरफ से तो ऐसे कोई आदेश नहीं। सर, नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कुछ जगह पर जो डीसीज हैं उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पोस्टर्स हटवा दिए, जबकि जो सरकारी होल्डिंग्स हैं वो भी खड़े हैं कई जगह। क्या इसको लेकर सर आप लेंगे फील्ड से इसकी रिपोर्ट्स? इसका हम पता करेंगे कि क्या इश्यू है। ठीक, सर, थैंक यू।